अकाल की वॉचिंग 1768 मैं हूं आपका दानिश शर्मा और मेरी वीडियो देखने के बाद किसको ये वीडियो अच्छी लगेगी, खिचड़ी के तीन यार, दही और पापड़ और अचार, ये चीज़ें मैंने टाइटल और इसमें मैंने टाइटल भी डाला था। तो 14 जनवरी की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कैसी नहीं ज़रूर बताएं। और ये जो भाई साहब है ये हंसता ही रहता है मेरे को वीडियो देख के, पापा पता नहीं किससे बात करते रहते हैं। और आज जो तारीख है वो है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी का ब्लॉग है गाइज। और आज मैंने कुछ यूनिक किया, इसको पता नहीं था कि न्यूट्री के पराठे बनते हैं। आप ऐसा मत बोलिए, इसको कभी भी कुछ मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कि कोई मतलब क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा बोले कि मेरे को पता नहीं है, है ना। तो न्यूट्री के जो पराठे वो बन रहे हैं आज 15 जनवरी को। ये देखो न्यूट्री के, न्यूट्री इसमें प्याज डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और सेहत के लिए भी अच्छा है। जैसे आपको पता है न्यूट्री मैं ऐसे खाता हूँ, काफ़ी टाइम से फुल के खा नहीं आता है, मैंने सोचा यार न्यूट्री के पराठे खाए जाए, अच्छा है शरीर के लिए। जिमी जुमी वाले जो बनते हैं वो न्यूट्री सबसे ज़्यादा खाते हैं, और खाया करो भाई लोगों। पीनट बटर मेरा आ चुका है और थोड़ा मौसम जो है ना आज ख़राब है, थोड़ी धूप निकली हुई है, थोड़ी नई भी निकली है, मॉइस्चर जरूर बैठा, नहीं तो मैं आपको दिखाता भी, मॉइस्चर बैठा हुआ है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, जो मैंने खिचड़ी का जो टॉपिक मैंने जो छेड़ तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। तो न्यूट्री के पराठे जो है खाए जाएंगे देसी घी के साथ, देसी घी, ये बाबा रामदेव के पीछे पड़ी हुई, अभी बोलना बाबा रामदेव का घी जो है सबसे पहले ख़त्म करना है उस प्रोडक्ट बाबा रामदेव का, तो देखा तो सब नहीं होगा। बाकी मैं तो मई से रख्यू लेके आया था, मई से रख्यू, ये माखे खाने देने लगी नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि मईसी का जो घी है वो मुझे खाने नहीं दे रही है, वो रखी हुई हमने, आपको दिखाता हूँ। बाकी मईसी रख्यू, भैंस का घी तो सबने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी सासू आंटी जो है वो लेकर आई है। खोलिए जरा उसको, खोला जरा उसको मैडम, खुलवा रहा हूँ, वेट एंड जस्ट वॉच। व्हाइट कलर का क्रीमी, ये देखो, इसमें से मैंने एक स्पून निकाल भी लिया था, थोड़ा चुपचाप निकाला, उसको पता नहीं लगेगा, अब उसको पता लग जाएगा दिखाने के चक्कर में। तो ये मेरी सासू आंटी ने मुझे क्या स्पेशली, तो मैंने मौरे के लिए मंगाया है, मौरे के लिए ज़रूरी है। ये देखो क्या कर रहा है, कुकर के अंदर पाँव डाल रहा है, जूते डाल दिए इसने। वैसे हम इस कुकर को यूज़ नहीं करते, मैं पहले बता दूँ, कुकर ये इसी ने ख़राब किया है वाला कुकर। ये देखो कुकर के अंदर जूता दिखा किसी को, कुकर के अंदर जूता और इसने बिलीव नहीं करोगे, दो कुकर खराब करे, एक कुकर हम वेस्टीज का लेके आए थे वो भी इसने खराब कर दिया। ये देखो मारता क्यों मेरे को यार, आपको सब देख रहे हैं, अब देखो आप पापा को, ये देखो देखो जूता डाल दिया इसने कुकर के अंदर, देखो इसका बर्तन खराब करने का काम है, इसको जितने मर्जी टॉयस दे दो ये टॉयस से नहीं खेलेगा, ये खेलेगा बस बर्तन चम्मच और खतरनाक चीज़ें जो होती है ना उनसे, बिजली के जो हाँ बिजली से याद आया, ये क्या करता है कि उंगली डालता है, काफ़ी सबके बच्चे डालते होंगे, तो एक खास ध्यान रखिए इस चीज़ का। आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे ना दोस्तों, प्लीज़ बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं बच्चे, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई लोग तरस जाते हैं, बच्चा नहीं हो पाता है, 10-10, 15-15 साल होता है, लेकिन जिनको मिल जाता ना यार, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इन छोटे बच्चों का खास कर ध्यान रखो। ये क्या करते हैं कि अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ये तो अभी तो शरारत कर रहा है, देखो फिर पहुँचे और मेरे के बाद, क्योंकि मेरी और हट ये कपड़े खींचता है, ये हटो। तो जो मैं आपको प्लग दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये हमने इसके ऊपर ना टेप लगा दी है, ये क्या करता था, इसके अंदर उंगली डालता था, इसके अंदर ये उंगली डालता था, तो हमने टेप से सारा इसको कवर कर दिया है। तो आपको भी यही काम करना है जिसके में छोटे बच्चे ना, इस चीज़ का दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा खास ध्यान रखें, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। मेरा पराठा रेडी है, ये मेरा है मोरे का है। अच्छा ठीक है दोस्त, अब हम लोग जरा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और पानी भी चढ़ाना है, मिलते हैं दिन का लंच क्या होता है, मैडम की 2 बजे आज ड्यूटी है 2 से 8, तो आज मोरे मेरे ही हवाले हैं, मिलते हैं लंच में क्या होता है क्या नहीं। है 2 बज चुके हैं, लंच की तैयारी है और अंजी जो बासी चावल थे ना, जो तुड़का जो था वो हमने उसको तुड़का मारा है, जो कल के चावल बच गए थे, कल मकर संक्रांति थी, कहाँ है वो चावल, ये रहे, और कल की दाल मैं यही खाऊंगा। अब किसी ने मुझे बोला है कि सर्दियों में जो है ख़राब नहीं होते, कुछ भी सामान रख दो, लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए 3-4 दिन, जैसा 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्लॉग चला हुआ है, किसका चला है, किसी का है मेरे, फिर भी किसी दीदी का तो नहीं है, ओके। तो दही भी है साथ में, मालपूड़े, वाह मालपूड़े
किसी को अगर सुस्ती लानी ना मालपूड़े खाइए, इतना मालपूड़ा खाती ना भाई, भाई आपको दिखा कभी मैं मालपूड़ा खाता हूँ? और मैं मालपूड़े खाता भी नहीं हूँ, इससे ऐसा ना सुनो, दो तो ठीक है, दो ठीक है। दिन को ना मैं काम कर रही होती और ये सो गए होते, खराटे खर खराटे इतने जोर जोर की ना, फिर कहते मैं तो सुस्त नहीं, मैं नहीं हूँ सुस्त। और कल मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना, खराटे ले रहा था मैं और उसने मुझे एकदम जगा दिया, लेकिन मैं मालपूड़े खा के तो नहीं सोया था। अच्छा मैं मालपूड़े खा के सोया था, ये होता जो मर्जी है, मालपूड़े मैंने नहीं खाए थे, मैंने यही खाना खाया था, कड़ी है। और एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो मक्खन निकाला है इसने, कल बोल रही थी मेरे को इसको ब्लॉग में ले लो, मैं चल ब्लॉग में ले रहा हूँ, तू भी खुश हो जाए, तू भी क्या याद करेगी। तो उसने मक्खन निकाला है, मलाई इकट्ठी कर करके तो फिलहाल ये पाड़ा जाए जल्दी से, जो जो आइटम आपको दिख रही है ठीक है। और उसके बाद सोना नहीं है, मैं दिन में सोता नहीं हूँ, बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। मौरी द ग्रेट वहाँ बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। मौरी क्या खा रहे हो आप? दही का बड़ा शौकीन है, रोटी इसको जितनी मर्जी खिलाओ रोटी खा लेगा, लेकिन अगर कर्ड है ना साथ में दही है तो बड़ा इंजॉय करके खाता है, प्रॉपरली खाना खाता है। पता नहीं इसको दही का क्या लालच है। अरे ये टावला मत बिछा यार। तो मिलते हैं शाम को, डिनर में क्या होता है क्या नहीं, फिलहाल दर्द हो रही है थोड़ी सी। और मालपूड़ा मेरे को रखा है, एक खा लूँगा, एक चीटिंग कर लूँगा मैं मालपूड़ा, एक थोड़ा सा मैं इसको जो है एक खाने का मन तो करता है, खा लेंगे, कुछ नहीं जाता एक दिन में खाने में क्या जाता है। तो फिलहाल खाया जाए और मिलते रात को डिनर में, क्या मारना नहीं इसको, तंग नहीं करना मौरी को। मौरू मम्मा ने मारा आपको? मारा आपको? मारा मम्मा ने आपको? हाँ मोलू को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना। तो ठीक है फिर मिलते हैं डिनर में गाइस, देखते क्या होता क्या नहीं होता। रात का डिनर रात का सोचेंगे, अभी तो पता नहीं रात को ऐसा ना हो कि बासी खाने को मिले, बासी तो नहीं ना रात को, पहले ही बोल दे क्योंकि बंदे परेशान हैं। अच्छा रात को सब्जी बनाएगी, किस चीज़ की? सोचते क्या मिलता है क्या नहीं, सब्जी आज सब्जी खाया जाए। तो कर लेते डिनर गाइस, मिलते रात को डिनर में। हम अपना जिम कर गए, ये मेरी नकल कर रही है, बोलती कुछ और भी डाल दिया करो। मैंने कहा भाई टाइम आ रहे दो, सब कुछ जो है डाला जाएगा, कुछ तो गड़बड़ जैसी कर रहा हूँ मैं ना। तो पीनट बटर जो है मैं लगा क्या, ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो गई थी लेके आया हूँ ठीक है, ब्राउन ब्रेड और सनड्रॉप का पीनट बटर था। और आज थोड़ा प्रोटीन जो सोचा कि आज पनीर खाया जाए, क्योंकि डेली मैं न्यूट्री खाता रहता हूँ, तो आज जो है पनीर बनेगा, पनीर मैं लेके आया हूँ, उसमें अगर दिख रहा है आप लोगों को तो पनीर, ये पनीर भुर्जी जो है पनीर भुर्जी बनेगी, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तो पनीर नहीं खा रहा था, बाकी राजमा छोले वगैरह तो रूटीन में चला हुआ था। अब आपको एक डेमो दिखाता हूँ, मौर्य को पता है कि जब पापा जिम से आते हैं तो कहाँ बैठ के पीनट बटर खाते हैं, मतलब ब्रेड के साथ भी लग जाएगा पता। मौर्य आ जाओ पीनट बटर, अभी देखना मैं इस जगह में बैठता हूँ, यहाँ बैठता हूँ और मौर्य जो है ना यहीं बैठेगा, देखो ये देखो ये इधर, मौर्य आ जाओ, ये देखो इस जगह मैं बैठता हूँ, मेरी एक्टिंग करेगा वहीं आके। मौर्य देखो आ जाओ बैठो, अब देखो यहीं आके बैठेगा, मैंने इसको दिखाना, चलो बैठो अब बैठो, ये देखो बैठ गया ना मेरी जगह में बैठा ये थोड़ा सा उधर हो जाओ पापा, पापा को भी बैठने दो, थोड़ा सा उधर हो जाओ, लो नहीं दोनों हैंडू से उठाओ, नहीं तरता नहीं है, हाँ दोनों हैंडू से उठाओ अब, हाँ उठाओ इसको खाओ अब, बाइट करो, गुड बॉय। मम्मा को भी, मम्मा को वन बाइट मम्मा। तो भाई साहब पूरी एक्टिंग करते हैं कि पापा आएंगे इस वक्त खाएंगे और खाता रहेगा, मुझे भी खिलाता रहेगा। पापा को खिलाओगे? पापा को दो बाइट। ओके अच्छा आप खाओ, अब आप खाओ। तो गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल सोचता हूँ कुछ डिफरेंट ब्लॉग बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। डिनर हो गया, मैं डिनर का बता दिया, अभी हुआ नहीं, अब तो ना बनाना। फिर भी पता है कि पनीर भुर्जी हम बना रहे हैं, पनीर भुर्जी देसी स्टाइल से बनाएंगे। देसी स्टाइल से क्या, उसमें ये चीज़ डालनी है अपना, क्या बोलते हैं उसमें, मैंने उसको बोला कि भाई सिंपल ही बनाइए, उसमें जीरे का छोक मत मारियो और साबुत धनिया होता है वो नहीं डालना, बस नमक मिर्च वगैरह जो है वही चीज़ डालनी है, क्योंकि जीरे का काला फ्लेवर जैसा टेस्ट नहीं आता, कड़वा कड़वा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मौर्य मिलते हैं कल के ब्लॉग में, लव यू एंड टेक केयर बोल दो सबको, फिर तेरी और फ्लैंकिश कर दो, बाय 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 कर दो, टाटा कर दो, फ्लैंकिश कर दो, ओके ओके भी कर दो, सब्सक्राइब लाइक करो, लाइक लाइक पापा का चैनल सब्सक्राइब करवाओ बेटा, बोलो
तो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। लव यू एंड टेक केयर, ध्यान रखें अपना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो यार। आप मेरी वीडियोस चल रही है लेकिन लाइक के बटन काफ़ी कम आ रहे हैं, तो कई लोग ऐसे मेरी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और कई जानबूझ के नहीं करते, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या बोलना उस मैटर में, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मर्जी है जिसने करना हो, नहीं करना हो तो आप हम उसको जबरदस्ती तो बोल नहीं सकते। थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। लास्ट का जो डायलॉग बोलना पड़ता है हर वीडियो में।